हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए देसी लस्सी की रेसिपी लेके आई हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों में सन की हीट से अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को हमेशा कूल रखना चाहिए। तो कूल रखने के लिए हम आज आपके लिए देसी लस्सी की रेसिपी लेके आए हैं। तो देसी लस्सी बनाने के लिए जो चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो रहेगा दही। यहाँ पर जो मैंने दही लिया है वो अच्छा गाढ़ा दही है, घर का बना। उसके साथ रहेगी चीनी की ज़रूरत और फ्लेवर देने के लिए रूह अफ़ज़ा, जिसको आप कहते हो, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और साथ में आपको दही को मिंदने के लिए, लस्सी बनाने के लिए आपको मदानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा, देख सकते हो आप, तो ये रहा गड़वी और गड़वी के साथ मैंने मदानी ले लिया। अब हम इसको अच्छे से यूज़ करके लस्सी बना लेंगे। तो सबसे पहले आप अपना दही जो है वो इसमें डाल दीजिएगा और एक टाइम पे थोड़ा ही डालिएगा, सारा मत डालिएगा, क्योंकि हो सकता है जब आप इसको अच्छे से रेड़ोगे दही को अपने, तो उस समय हो सकता है कि वो बाहर आए, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ही बनाइएगा। उसके बाद आप अपनी चीनी डाल दीजिएगा और चीनी डालने के बाद आप इसमें डालिएगा अपना फ्लेवर, रूह अफ़ज़ा का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये डाल लीजिएगा। डालने के बाद इसको अच्छे से अब हम मिंदेंगे। तो अच्छे से आप ऐसे ही मथ लेंगे, देख सकते हैं आप कैसे हमने मदानी का यूज़ करके उसको अच्छे से मथ रहे हैं अपने दही को। और ऐसे ही करते करते आपने उसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मथ लेना है, तो आपका बटर जो है दही में से वो ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब आपकी लस्सी जो है वो बनके तैयार हो जाएगी। तो 2 मिनट हो चुके हैं, अब आपकी जो लस्सी है वो मथ चुकी है। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने अच्छे से मथ चुकी है। इसी टाइम पर हम अपना मथने वाला जो है उसको हटा लेंगे, मदानी को, और इसके बाद हम इसके अंदर गिलास में इसको अच्छे से डाल के सर्व कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी आपकी क्रीमी बनी है। तो आपकी लस्सी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को।